अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सोनम महाजन ने। बहुत शुक्रिया सोनम कि आपने आज ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सो मच आरजू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू। तो सोनम, मुझे पहले तो ये बताइए कि हम इससे पहले जो हमारा आज टॉपिक है, हम अफगानिस्तान और उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान पे, इनफैक्ट पूरे रीजन पे। लेकिन उससे पहले कोई कंट्रोवर्सी सी चल रही थी आपके ट्विटर के ऊपर, बड़ा हंगामा था एक बिंदी को लेकर, जबकि मैंने कहा भी था कि इस्लामाबाद में नहीं मिलती, हो सकता है कराची में मिल जाए, क्योंकि सिंध में कुछ हिंदू कम्युनिटी रहती है तो हो सकता है वहां अवेलेबल हो, लेकिन इस्लामाबाद में वाकई में नहीं है। तो यहाँ पर इतना मैं देख रही थी आपके ट्विटर के ऊपर शोर मचा हुआ था, वो क्या था? आरसू, मैंने तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट रेज किया था, बिकॉज यू टोल्ड मी कि इस्लामाबाद में यू डोंट फाइंड बिंदीज। तो आई वाज ट्राइंग टू एड्रेस अ लार्जर इशू व्हिच वाज ऑफ पाकिस्तान रिमूविंग ऑल द ट्रेसेस ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज। एंड सिंस मैंने उसमें सऊदी का जिक्र किया था, एंड आई हैड रिटन दैट मेरे किसी दोस्त ने बताया कि सऊदी में बिंदीज रियाद में अवेलेबल है, तो आई वाज ट्राइंग टू मेक अ वेरी सिंपल पॉइंट कि जहाँ पे इस्लाम का ओरिजिनेशन हुआ था सऊदी की धरती पे, वहाँ पे आप देख लें कि यू नो दे आर एम्ब्रेसिंग इंक्लूसिवनेस, दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू नो सेक्युलरिज्म, दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग एवरीबडी एल्सेस कल्चर। जबकि हमारी बगल में पाकिस्तान में आप देख लें जो पंजाब था, जो अनडिवाइडेड पंजाब था, उसका 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में गया था। एंड स्पेशली सो जो इस्लामाबाद है, ये 20 किलोमीटर तो है रावलपिंडी से, एंड रावलपिंडी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हिंदूज एंड सिख्स। सो आई हैड अ वेरी सिंपल पॉइंट टू मेक कि काफी सारे पाकिस्तानी दुश्मन तो नहीं बोलूंगी, फॉलोअर्स, दोस्त, उन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क है तो हमें जरूरत क्या है बिंदी लगाने की। अरे बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुसलमान हैं तो आप बिंदी लगाएं। मेरा एक सिंपल पॉइंट था कि आपके यहाँ पे अगर बिंदी नहीं मिलती है सो इजीली इन इस्लामाबाद, दैट मींस दैट यू नो या तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं वो भी मुसलमानों की तरह रहती हैं, या दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि वहां माइनॉरिटीज है ही नहीं, जो बहुत लोग इतनी ज्यादा पता नहीं उतना वो इतनी खुशी से क्यों मुझे ये चीज बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हिंदू है ही नहीं तो हम क्या करेंगे बिंदियां यहाँ रख के। तो ये भी तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू कहाँ गया, जो रावलपिंडी में सिख और हिंदू थे वो कहाँ चले गए। आई एम अवेयर कि पार्टीशन के टाइम पे जितने भी जो रायट्स हुए थे वो रावलपिंडी से स्टार्ट हुए थे, चाहे हम चोहा खालसा की बात कर लें विलेजेस की, चाहे दुमाली की बात कर लें, चाहे हम कहूता की बात कर लें, दीज वर दी यू नो दीज वर दी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ रावलपिंडी विच वर लूटेड बाय मुस्लिम्स। एंड द इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो वहाँ के जो हिंदूज और जो सिख्स थे, दे वर मैसेकर्ड। तो द जोक इज ऑन दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू से कि हमारे यहाँ तो हिंदू ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये जवाब दें कि वहाँ के हिंदू गए कहाँ। पिंडी से 20 किलोमीटर तो है इस्लामाबाद, तो वहाँ की माइनॉरिटीज कहाँ गायब हो गई। तो वेदर यू हैव बिंदीज और यू डोंट हैव बिंदीज, इट डजंट मैटर। आई वॉज ट्राइंग टू एड्रेस अ लार्जर इशू, but unfortunately as usual it got lost in the noise and people didn't want to understand the the real debate I was trying to rake up. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिंदू सारे कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, लेकिन इसका बिंदी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर बिंदी लगाएंगे तो आप कोई हिंदू हैं इसलिए लगा रहे हैं या आप हिंदू हो जाएंगे। मैंने तो अपनी फैमिली में हमेशा से देखा है कि जब कोई शादी के फंक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, जब मैं छोटी सी थी तब भी, कि वो बिंदी लगाई जाती थी और अभी भी बहुत लोग लगाते हैं। तो इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ देना तो मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, आप कह सकते हैं कि सिंदूर, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम्स में नहीं लगाया जाता और हिंदुओं में लगाया जाता, लेकिन बिंदी या साड़ी, यहाँ पे साड़ी पहनने भी एक मतलब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कराची में ज्यादा है, कराची में फिर भी लोग साड़ी भी पहनते हैं और कराची में बिंदी वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन बाकी जगह पे मैंने यही देखा है कि इसी तरह का लोगों का बिहेवियर। और बात यही है कि बताते नहीं कि हिंदू गए कहाँ। आपने रावलपिंडी की बात की, रावलपिंडी में बहुत सारे, कभी आप आए इस्लामाबाद में आपको लेके चलूं, बहुत सारे जो गुरुद्वारे हैं
उसमें लोग रह रहे हैं, यानी उनकी फैमिलीज रह रही हैं। तो मैंने एक बार अपनी मदर से पूछा भी, उनकी एक फ्रेंड वहां रहती थी, और मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ क्यों रहती हैं और ये अजीब सी बिल्डिंग क्यों है। तो उन्होंने कहा ये गुरुद्वारा है। तो मैंने कहा क्यों, सिख कहाँ चले गए कि गुरुद्वारे खाली हैं और उसमें लोगों को उन्होंने दे दिए कि घर बना लें और वहां रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सवालों का जवाब हमारे यहाँ मिलता नहीं है, और पूछते रहे आप वो कहेंगे बस जी कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए। तो ये चीज है कि थोड़ा सा इसके ऊपर पाकिस्तान को देखना जरूर चाहिए। यहाँ से अगर हम आगे अपने दूसरे टॉपिक की एक सेकेंड तरफ, आरजू आरजू बिफोर वी मूव ऑन, आपने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि जो बिंदी है उसका कोई एज सच कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस ना होते हुए कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल करते। तो आई थिंक जो पाकिस्तान की जो एक बैड इमेज बनाने का जो फिर एक जो क्रेडिट जाता है ना, वो आपकी ड्रामा इंडस्ट्री, आपकी आर्ट इंडस्ट्री को भी जाता है, क्योंकि आपकी आर्ट एंड सिनेमा में भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी साउथ एशियन, जो कोई भी साउथ एशियन किसी भी तरह का, चाहे वो सिंबल जो आप, चाहे वो आप कपड़ों का लगा लें या आप बिंदी का लगा लें या आप ओवरऑल आपकी जो अपियरेंस होती है उसको लगा लें, आपकी आर्ट एंड सिनेमा में हमेशा जो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, चाहे वो बिंदी हो चाहे वो साड़ी हो, उसको हमेशा ही वो एक गलत चीज के साथ जोड़ के दिखाते हैं, या तो वो फहाशी के साथ जोड़ के दिखाते हैं उसको, या तो वो ऐसा दिखाते हैं कि जो साड़ियां पहनती हैं जो औरतें वो मतलब उनका दिमाग बड़ा खराब होता है, वो अपने घर नहीं बसाना चाहती, वो अल्लाह से बहुत दूर होती हैं, उनका ध्यान जो ज्यादा होता है वो फहाशी की तरफ और ये मेकअप वेकअप करने की तरफ होता है। तो आई हैव नेवर रियली सीन कि आपकी आर्ट एंड सिनेमा में कभी भी इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए। तो प्रॉबेबली यही कारण है कि जो आपके आवाम है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आर्ट एंड सिनेमा है उसका तो बहुत इफेक्ट होता है, एंड पाकिस्तान में तो ड्रामा इंडस्ट्री है जो भी है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, तो लोग बहुत मुतासर होते हैं जो वो डेली स्क्रीन पे देखते हैं। तो आई थिंक एक ये भी कारण है कि इतना इसको स्लोली, इतना ज्यादा इसको सटली इंसर्ट किया गया है इस नोशन को कि साड़ी खराब चीज है, बिंदी खराब चीज है, कि जब भी इन चीजों का जिक्र आता है ये सामने दिखती हैं, तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ, एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जोड़ के ही इसको दिखाया जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पुरानी पाकिस्तानी मूवीज आया करती थी जब बनती थी, पाकिस्तानी मूवीज आप कह लें कि 70s तक या शायद 80s तक, तो उसमें जो इंडियन जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती थी, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो या कोई भी, उन्होंने जैसे साड़ी पहनी होती थी और जैसे बाल बनाए होते थे वो अजीब सा नहीं ऊपर करके, तो वही सब गेटअप यहाँ होता था उन मूवीज में। जब भी ये इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बीच में जो वोटिंग हो रही होती है उसके उस टाइम के बीच में ये पाकिस्तानी मूवीज दिखाते हैं जो पुरानी, तो उसमें वही गेटअप नजर आता है और वही साड़ी नजर आती है, इवन बिंदी भी नजर आती है, उन लोगों ने बिंदी भी लगाई होती थी। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी सलवार कमीज में नहीं देखा, मुझे जहां तक भी याद पड़ता है मैंने उनको देखा है वो साड़ी ही पहनती थी। मेरी मदर ने अपनी शादी पे साड़ी पहनी हुई थी और वो भी बहुत ज्यादा साड़ियां पहनती थी, तो मुझे नहीं पता कि ये कहां से कब ये उस चीज टाइम पे आप एकदम मॉडर्न से थे ना चेंज हो आजू, गई। उस टाइम पे आपकी मम्मी के जमाने में आप मॉडर्न थे। अब जो दूसरे मुल्क होते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं और वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आज से जियाउल हक के वक्त के पहले, उस दौर से पहले जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान की आर्ट एंड सिनेमा थी, जो लोकल सेंसिबिलिटीज थी, वो इतनी ज्यादा जिसको आई डोंट नो इफ यू इट्स द राइट वर्ड टू यूज, इतनी ज्यादा रिटार्डेड नहीं थे लोग वहां पे कि वो हर चीज को लेके इतना ज्यादा टची हो जाएं और हर चीज को किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ने लग जाएं। इनफैक्ट ये आपके लिबरल्स की हालत है कि अभी एक नया शो प्रोड्यूस किया है जी ने, आई थिंक इट्स एन आईएसपीआर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, इट्स रिटन बाय उमेरा अहमद, एंड जो आपके सो कॉल्ड लिबरल्स, जो आपके क्रिटिक्स वगैरह हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला था कि भाई इसमें जो लड़की है वो पाकिस्तानी है और जो लड़का है वो हिंदुस्तानी है, जबकि इसकी जो पूरी थीम है वो प्यार मोहब्बत पे बनी है, ये दो फैमिलीज पे बनी है जिनके दोनों के जो मेन जो घर के जो आदमी होते हैं वो जंग में शहीद हो जाते हैं, फिर आगे उनकी फैमिलीज के क्या चैलेंजेस हैं। तो मतलब राइटर को निकल के ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ गई कि ये लव स्टोरी नहीं है, ये लोग सिर्फ दोस्त हैं। एंड आई हैव पर्सनली सीन सो मेनी ऑफ योर क्रिटिक्स वर वरीड कि यार ये लड़का जो है वो हिंदू दिखाया है, जो अहद मिर्जा है,
इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, और जो शादी है वो मुसलमान लड़की दिखाई है, तो इसमें रिलीजियस एंगल क्या होगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो हिंदू मुसलमान का प्यार नहीं होता. तो मतलब लोगों की जो सोच है ना वो इतनी ज्यादा दकियानूसी और इतनी ज्यादा रिलीजियस रिलीजन सेंट्रिक सोच है कि वो आर्ट एंड सिनेमा में भी उनको ये टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हिंदुस्तानी लड़का जो है वो एंड में हमारे शहीद की बेटी से मोहब्बत कर लेगा और वो पता नहीं उसको कोई हिंदुइज्म कबूल करवा लेगा, उससे फिर उसे निकाह कर लेगा. वो इतना दूर का सोचते हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू एंजॉय द एक्ट. इतनी मेहनत की है उन एक्टर्स ने दिलों को पास लाने के लिए, दोनों मुल्कों में ये भाव जगाने के लिए कि जो जंग है वो बर्बादी लाती है. But look what Pakistanis are making of it. They are just worried about the Muslim girl and the Hindu boy coming together. So, और पता नहीं मुझे लगता है या तो शायद मेरी फैमिली में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि मेरी मदर की जो कजन है उन्होंने उनकी शादी हुई है और वो इंडियन हिंदू हैं जिनसे शादी हुई है, और वो खुद जो है वो बैरिस्टर हैं, और कोई मैंने इस तरह का इशू नहीं देखा फैमिली में उठते हुए. लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वहाँ पे तो खैर ऐसा ही होता है. बल्कि मैंने लास्ट ईयर, मेरे ख्याल दो साल पहले की बात है, एक साल पहले रमज़ान शुरू हुआ था, तो मैंने साड़ी पहन के रमज़ान विश लगा दी ट्विटर पे. तो उस पर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि शर्म नहीं आती है तुम्हें, तुम साड़ी पहन के रमज़ान विश कर रही हो. तो मैंने कहा क्या हो गया उसमें, तो नए वो हुए ना, वो कहते हैं ना जो नया मुल्ला होता है वो 5 बार नमाज पढ़ता है. वो जो सऊदी के जो मुसलमान है ना वो बड़े कंटेंट हैं, उनका इस्लाम खतरे में नहीं है. पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका इस्लाम जो है वो हमेशा से ही खतरे में ही रहता है. इनफैक्ट हमने बात की अभी पंजाब की पार्टीशन से पहले कि 1940s तक तो पंजाब में भी मुस्लिम लीग और ये कोई कांग्रेस का कोई वहाँ बोलबाला ही नहीं था. वहाँ पे तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जिसकी लीडरशिप मुसलमान थी और जिसके फॉलोअर्स हिंदू भी थे और सिख भी थे, सबकी उनको सबका साथ उनको हासिल था. तो वो वहां पे मेन जो पार्टी थी, इनफैक्ट जब मुस्लिम लीग आई तो उन्होंने भी यही नैरेटिव चलाया कि इस्लाम खतरे में है इसीलिए हमें जो है वो अपना एक अलग मुल्क मांगना होगा और हमें अलग होना होगा. उसके फिर क्या उसके यू नो रिजल्ट्स निकले तकसीम के, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग जो है उनका उनको मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घर छिन गए, वो तो हमने देखा ही. तो जब भी इस तरह की आप बातें करेंगे कि जब आपको हमेशा लगेगा आपका जो मजहब है वो खतरे में है, तो आप इनसिक्योर ही रहेंगे, और जब आप इनसिक्योर रहेंगे तो आप गलतियां ही करेंगे. तो बहुत दुख की बात है कि वही आज तक चला आ रहा है पाकिस्तान का, जो इंसेप्शन के टाइम पे जो माइंडसेट था इनसिक्योरिटी का आज भी वही चला आ रहा है, बल्कि शायद थोड़ा सा बढ़ गया है, कम होने के बजाय ज्यादा ही हो गया. बहुत ज्यादा हो गया उस टाइम पे. तो आई थिंक लोग इतना नहीं, मतलब आपके जो पुराने जो वेटरन एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं उनसे भी अगर बात की जाए तो वो भी यही कहते हैं कि जब हम जवान थे तब इतनी मुश्किलें नहीं थी, अब बुढ़ापे में आके हमको ज्यादा सोचना पड़ता है कि कैसी साड़ी पहने भाई, साड़ी पहने भी है नहीं पहने, सूट पहने तो उसका पीछे से गला कैसे हो. उस टाइम पे ऐसे इतना कोई सोचता नहीं था. सो बिल्कुल आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना हमें रियासते मदीना बनानी है, तो फिर वहां पे तो ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. तो फिर आई थिंक सही राह पे चल रहे हैं आप लोग. खैर वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो कभी कहते हैं रियासते मदीना बनाना है, कभी वो कहते हैं टर्किश मॉडल लेकर आएंगे, कभी कहते हैं चाइनीज मॉडल लेकर आएंगे. तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्होंने एक्चुअली करना क्या है. लेकिन हम अगर आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो कैसे देखती हैं सोनम आपके क्या इसका, जो जैसे तालिबान का बहुत ज्यादा आजकल शोर मचा हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस इन लोगों का इस रीजन पे अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई? जी तो आज जब हम रीजन की बात करते हैं ना तो हम मोस्टली सोचते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे लिए बस होता है कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा. फिर हम चाइना का सोचते हैं, इंडियंस सोचते हैं कि मतलब चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना क्या करेगा, इसका हमारे यहाँ पे बहुत उसके असरात होंगे. और पाकिस्तान ऑफ कोर्स उनके लिए वो एक यू नो एलाई है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है कि चाइना में क्या होगा. बट यू नो लेट्स गो अ लिटिल बियॉन्ड दिस एंड फिगर आउट कि मतलब ये सिर्फ चाइना पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है. सबसे पहले तो इन जो अफगानिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं वो भी बहुत बुरे हैं,
और फिर अगर आप अफगानिस्तान की आप ज्योग्राफी देखें, इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री, उसके आप देख लें एक साइड में ऊपर नॉर्थ, मतलब वेस्टर्न साइड पे आप देख लें, वहां पे टॉप पे आ जाता है ताजिकिस्तान, फिर साथ में आ जाता है उज़्बेकिस्तान, फिर इधर नीचे आ जाता है उनके तुर्कमेनिस्तान, और फिर वेस्ट साइड में उनके पाकिस्तान और ये नीचे ईरान आ जाता है, और साथ में ऊपर उनके साथ इंडिया का भी उनका मैप जो है वो मतलब इंडिया से भी वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जो मकबूजा लद्दाख है उसके साथ, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ। हम इन तीनों के बारे में तो ब्रॉडली बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बारे में, बट थोड़ा थोड़ा सा आई थिंक एक कॉन्टेक्स्ट जरूरी होगा कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और फिर जो रशिया है उनके क्या कंसर्न्स हैं, पहले थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, देन वील रिटर्न टू द मेन इशू। तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ऑफकोर्स ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनकी भी जो ये मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क हैं, ये मतलब मोस्टली आई थिंक सबकी जो आबादी है वो 90% प्लस जो है वो सुन्नी मुस्लिम आबादी है। तो ऑफकोर्स वहाँ की जो जो सरकार है, जो वहाँ के हुक्मरान है, वो भी इस चीज़ से परेशान तो है ही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये स्पिल ओवर हो। और आपको पता है ये तालिबान, जो तालिबान के बहुत सारे फाइटर्स हैं जो उज़्बेक हैं, जो ताजिक हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस में भी काफ़ी ताजिक हैं, बट तालिबान फाइटर्स में भी हैं काफ़ी सारे। तो ऑफकोर्स ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनकी भी एक चिंता है कि ये जो वायलेंस है इवेंचुअली हमारे देशों में तो आ सकता है ना, और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं 1000 से ज्यादा जो अफगान सोल्जर्स हैं, दे फ्लेड टू ताजिकिस्तान। अब ये उनकी फराग दिली है कि उन्होंने उनको आने दिया, क्योंकि थैंक्स टू अफगान गवर्नमेंट उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं अपने नेबर्स के साथ। जो नेबर्स आई थिंक जो पीस चाहते हैं, जो अमन की जो इच्छा रखते हैं, उनके साथ अफगान गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमने देख लिया कि ऑलरेडी वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो फोर्सेज है वो भाग भाग के वहां जा रही है। फिर रशिया का भी यही कंसर्न है, क्योंकि जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनके जो इनका बॉर्डर रशिया से भी मिलता है, तो दे ऑल्सो हैव दिस ऑफ कोर्स दिस इशू कि ये जो इनकी एलाइज हैं, यहाँ से स्पिल ओवर होके रशिया में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जबकि रशिया की जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो आई डोंट थिंक 10% से ऊपर है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेरे हिसाब से तो उनका तो ये इशू है ही है कि उन धीरे धीरे ये जो वायलेंस है उनके यहाँ पे भी ना आ जाए। अब बात करते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के, जो ये मेन जो प्लेयर्स हैं इस रीजन के। तो सबसे पहले तो सबके लिए एक मुश्किल है, आई थिंक ये तो लूज लूज सिचुएशन है तीनों मुल्कों के लिए ही। वो सामने से कुछ भी दिखाएं, यू नो पाकिस्तान सामने से कितना भी दिखाए कि तालिबान जो है हमारा उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जो भी कहें, बट आप अगर इसको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक टू फ्रंट सिचुएशन हो जाती है। और शायद बहुत सारे लोग ये चीज एलेज भी करते हैं कि यही कारण है कि इंडिया पाकिस्तान में सडनली, पाकिस्तान ऑल्सो फेल्ट द नीड टू हैव अ सीज फायर, बिकॉज पाकिस्तान ऑल्सो डजेंट वॉन्ट टू फ्रंट सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट हो जाता है अफगानिस्तान और इंडिया, फिर इंडिया, फिर चाइना के लिए भी टू फ्रंट हो जाता है, बिकॉज ऑन इन लद्दाख यू सी चाइना इज लिटरली एट, यू नो इफ नॉट वॉर, we are not at peace for sure, India and China, they are eyeing our territory. तो उनका भी एक expansionist mindset है China का, तो China भी एक उनके लिए भी दो front खुल जाते हैं, India को भी वो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं तंग, और उधर से उनके लिए भी अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं, तो उनका जो बदाख्शान से जो जो बदाख्शान प्रोविंस है अफगानिस्तान का, उसका बॉर्डर जाके लगता है शिनजियांग में। तो चाइना के लिए भी मुश्किल तो है ही है, अब इसको हम करेंगे डिस्कस, बट लेट्स कम टू इंडिया फर्स्ट। इंडिया के लिए हो जाता है थ्री फ्रंट सिचुएशन, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इशू चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जग जाहिर है, उसमें तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फिर चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेटली हमने देखा है कि चाइना हैज बीन ट्रबलिंग अस इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज अप नॉर्थ, तो चाइना भी हमारे लिए एक फ्रंट है। तो तीसरा फ्रंट हम नहीं चाहते कि हमारे लिए अफगानिस्तान खुले, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा, थ्री फ्रंट सिचुएशन कौन चाहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि चाइना को मेनली क्या जो है इम्पैक्ट चाइना पे हो सकता है। जो पॉपुलर नोशन है वो तो यही है कि चाइना इज वेरी हैप्पी, कि मतलब उनको लग रहा है कि ठीक है वहां पर तालिबान का राज आ जाएगा तो हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए ना तो ये 90s है, ना तो ये वो भारत है जो 1960s में होता था, है ना, तो ये तो चाइना भी समझता है। तो
जी लेकिन एक चीज सोनम यहाँ पर है कि जो सी पैक चल रहा है तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को पसंद आएगा कि अफगानिस्तान या तालिबान उसमें आके कोई इंटरफेयर करें, जो कि वो कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की। आई वॉज कमिंग टू दैट। सो हाँ चाइना का वो जो एक जो लोग कहते हैं या फिर जो इंटरनेट पे बैठे हुए लोगों को ब्रॉडली जो थोड़ा बहुत पढ़ के जो समझते हैं उनको लगता है कि हाँ इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर चाइना, बट इफ यू नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस यू विल सी दैट बीजिंग इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस डेवलपमेंट, दे आर ऑल्सो नर्वस। द रीजन बींग, एक तो आपने जो सीपेक की बात की उसके लिए भी वो ठीक नहीं है क्योंकि आपको पता है क्वेटा में कितना, बलोचिस्तान में भी इसका काफी असरात देखने को मिलेंगे अगर वहां पे तालिबान आ जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। तो चाइना का एक तो सीपेक का मसला है, दूसरा उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी अफगानिस्तान हिस्सा है, जिसके रिस्पॉन्स में फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया, क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इट इज बींग सीन एज सम सॉर्ट ऑफ साइनो सेंट्रिक ट्रेड नेटवर्क ग्लोबली। तो नो बडी वॉन्ट्स की चाइना हर चीज में आगे आ जाए, नोइंग चाइनाज रेप्यूटेशन, एक्सपेंशनिज्म, हेल्थ इनसिक्योरिटी फैलाना एंड हर कंट्री को कहीं ना कहीं से तंग करते रहना, ये सब हरकतें जो है, तो ऑफकोर्स सब परेशान है बट चाइना भी परेशान है। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इससे डिस्टर्ब होगा बिकॉज अफगानिस्तान उसका हिस्सा है, सीपैक उनका डिस्टर्ब होगा, और सबसे मेजर जो कंसर्न चाइना का है वो ये है। एंड इट्स नॉट दैट कि वो ये हवा में सोच रहे हैं, ये रियलिटी है कि जो वीगर सेपरेटिस्ट हैं, जो वहां के इंसर्जेंट्स हैं, दे आर नोन टू टेक शेल्टर इन द नेबरिंग कंट्रीज। अब या तो वो बैठे हुए हैं जो मकबूजा लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान में आके या तो वो वहां घुस जाते हैं, या तो फिर वो बदख्शान के थ्रू उस प्रोविंस में अफगानिस्तान के वो हैं। एंड तालिबान की एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है जो उभर के आ रही है कि वो कहते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। ये 90s का तालिबान नहीं आरजू कि वो, उनको नहीं पता है कि इंटरनेशनल मीडिया से कैसे डील करना है, क्या हमें दूसरे जो मुल्क हैं, दूसरे ममालिक से हमें अपने ताल्लुकात बनाने हैं या नहीं बनाने, वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर आपके दूसरे मुल्कों के साथ तजारत के या फिर डिप्लोमेटिक किसी तरह के भी ताल्लुकात नहीं है तो आप बहुत देर ज्यादा तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड दिस इज द रीजन वी हैव टू बी मोर कॉशियस, क्योंकि वो कहते तो कुछ और चीज हैं पर वो करते कुछ और चीज हैं। चाइना को तालिबान ने रिपीटेडली एश्योर किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सेफ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, बट यही चीज तालिबान ने इंडिया को भी एश्योर कर रखी है कि कश्मीर आपका जो है ये अंदरूनी मामला है, हम इसमें स्टेक होल्डर नहीं है। बट क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया शांति से बैठ जाएगा? वी विल नॉट लोअर आर गार्ड, राइट? वी विल स्टिल बी प्रिपेयर्ड। तो चाइना एट द सेम टाइम तालिबान इज इंक्रीजिंगली सेइंग, एंड तालिबान इज रिपीटेडली सेइंग रादर कि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट ऑफकोर्स उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, आपको पता ही, उन्होंने वीगर जो सेपरेटिस्ट हैं उनका उन्होंने क्या तरीका निकाला है उससे उससे डील करने का। उन्होंने मिलियंस ऑफ जो ऑर्डिनरी मुस्लिम्स हैं जिनका शायद एक्सट्रीमिज्म से कोई लेना देना ही नहीं होगा, उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाला हुआ है। तो अगर चाइना ने इतनी मेहनत की है वहां पे, तो चाइना वुडंट वांट कि जो उन्होंने इंसर्जेंसी को खत्म किया है वो फिर से उसका रिन्यूअल हो जाए। फिर आते हम पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान ऊपर से तो दिखाने को है ही है कि हाँ हम बड़े खुश हैं तालिबान आ जाए, आपको पता ही है आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, उन्होंने तो यहां तक बोला है कि इनफैक्ट एक दो दिन पहले आपने भी देखा होगा ट्विटर पे एक वीडियो भी वायरल हुई हुई थी, और उसमें केपीके में दिखाया था कि तालिबान जो है वहां जी पे हैं और रैली निकाल रहे हैं, उनके फ्लैग्स भी हैं, और हमारे बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर की जो आप बात कर रही हैं तो वो तो बड़े खुश हैं कि वो आ जाएंगे तो वो हमें भी बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी उससे। हाँ, तो आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने तो कह दिया कि तालिबान आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा है जी, उनके जो फैमिली वगैरह है उनके हम यहाँ पे उनका उनको ट्रीटमेंट कराएंगे वो। और ये बात तो खैर नॉट ओनली तालिबान, इवन जो एक्स दाइश आइसिस खुरासन के जो एक्स जो फाइटर्स हैं जो सरेंडर्ड है, ये चीज तो वो भी बड़ी खुल के कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी जख्मी होता था तो वो पाकिस्तान ही जाता था। तो पाकिस्तान इज बेसिकली द व्हाट यू से मेडिकल टूरिज्म कैपिटल फॉर ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आई थिंक पाकिस्तान इज द इमर्जिंग मेडिकल टूरिज्म कैपिटल फॉर टेररिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड।
आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कहते हैं, फिर उसके बाद आपके जो NSA हैं वो कहते हैं कि वहाँ जो हॉस्टिलिटीज हैं उससे हम बड़े कंसर्न्ड हैं, फिर एट द सेम टाइम वो ये भी कह देते हैं कि वहाँ जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं जो वो कहते हैं US के हवाले से कि US जो है ऑक्यूपेशनल फोर्स है, इन्वेजिव फोर्स है, इनकी वहाँ पे शिकस्त हुई है, इनको तालिबान ने वहाँ से भगा दिया है, तो ये तो तालिबान की जीत है। फिर आ जाते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर पे, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जो टोलो न्यूज के एडिटर को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने तो मतलब जो उनके जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने उनसे बार बार फैक्ट शेयर किए कि तालिबान डिस्पाइट द पीस डील आके बार बार यहाँ पे दे आर सीजिंग मोर टेरिटरी बाय मीन्स ऑफ वायलेंस, सिविलियंस की हत्याएं हो रही है, आप कुछ तो उनकी मजम्मत करें। बट आई थिंक वो इतने अनकंफर्टेबल हो गए उस पूरी बातचीत से कि ऑफकोर्स वो आएं बाएं शाएं करने लगे, दूसरे इंडिया पे चले गए वो टॉपिक्स पे। उन्होंने तालिबान की बिल्कुल मजम्मत नहीं की, उनके इनफैक्ट ये वर्ड्स थे कि अकॉर्डिंग टू अस तालिबान वॉन्ट्स पीस। ये किस तरह का अमन है आरजू जो खून खराबे से मिलता है? एट द सेम टाइम योर फॉरेन मिनिस्टर हैज ऑल्सो गिवन अ स्टेटमेंट that Taliban dress very simple but they are very competent and good, so I don't have to explain ki competent and good jo hai inki to achhi connotations hi hai in shabdon ki na, ye aise alfaz nahi hai jinko aap negative light mein dekhenge. To aapki jo leadership jo hai wo pichli debate mein bhi hamari yahi baat thi, they are very good tacticians, unke paas bahut acche tactics hai but they don't have a long term strategy. ab hum dekhte hain लेकिन इन्हीं फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो हम अपने बॉर्डर्स बंद कर देंगे, ये तो मतलब दोनों तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है जी। और इसमें भी कोई सच नहीं है आरजू, क्योंकि आपका जो बॉर्डर है वो ऑलरेडी 90% तक तो आपका जो बॉर्डर है वो पोरस है ही नहीं, वो तो अफगानिस्तान के साथ सील्ड ही है, दैट मींस पाकिस्तान को पता है कि देयर इज ट्रबल राइट, उनको पाकिस्तान को बहुत अच्छे से इस चीज की समझ है कि वहां पे हालात जो है वो बद से बदतर होने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि वहां के जो लोग हैं वो यहाँ आए, तभी तो आप इतनी बॉर्डर इतनी तेजी से उसको सील कर रहे हैं ना। तो अगर आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, आपको पता है कि ये लोग ठीक नहीं है, अगर वो यहाँ आ गए पाकिस्तान में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमने देखा ही था पेशावर में कितने सारे मासूम छोटे छोटे बच्चों की जो मौतें हुई, उसके जिम्मेदार कौन थे? तहरीके तालिबान। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो अगर पाकिस्तान में बच्चे मारे तो वो बड़े बुरे हैं जी, बैड तालिबान है। अगर वो वही तालिबान वही सोच रखने वाले जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को मारें तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज व्हाट अफगान पीपल हैव चोजन। ऑफ कोर्स दे हैव नॉट चोजन दिस, अफगान पीपल हैव नॉट एट ऑल चोजन दिस, अदरवाइज जो 20 साल वहां पे अमरीकी फौज और अमरीकी डिप्लोमैट्स और इतने सारे बाहर के लोग जो वहां रह गए हैं, तो एक हिस्सा तो है ना जो उनके साथ है, जो चाहता है कि यहाँ पे अमन शांति हो, जमहूरियत हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर सारे तालिबान चाहते हैं तो वहां पे बाहर की जो फोर्सेस हैं, नेटो अलायंसेस जो हैं, वो 20 साल वहां पे रह जाएं। पाकिस्तान के लिए आरजू सबसे बड़ा कंसर्न है कि द तालिबान, अफगान तालिबान विल ज्वाइन फोर्सेस विद पाकिस्तान तालिबान। पाकिस्तान की ये एक्सपेक्टेशन है कि आप वहां पे जो करना है करो, आप TTP को भाई आप टैकल कर लो। वो क्यों टैकल करे? वो उनके उनके भाई हैं, वो उनके को जिहादीज हैं, उनका एजेंडा सेम है। तो पाकिस्तान तो वो जो कहता है ना वॉर ऑफ टेरर की जो बात करता है, पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, तो वो तालिबान के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, वो कौन सा किसी और के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो ये कहते हैं कि 70,000 लोगों को जान यहाँ पे गई है, तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। किसके खिलाफ आप लड़ रहे थे? अगर आप ये तो मुनाफ़त है कि आप वॉर ऑन टेरर में भी आप ऑफिशियली शामिल है, आप कहते हैं हमने इतनी जाने दी है, तो वॉर ऑन टेरर का मतलब क्या है? वॉर ऑन तालिबान। तो जब अगर वो आपके दोस्त हैं, साथी संगी हैं, उनकी सोच जो है वो आपके जैसी है, आप उनके आने से बड़ा खुश हैं, तो आप 20 साल से क्या झकमरा रहे थे? आप 20 साल से कर क्या रहे थे? इतनी जाने किस बात की आप दे रहे थे? आपके पास कोई गोल नहीं था क्या? फिर पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है आरजू, आपको पता है, आपने मेंशन किया पेशावर में जो रैली निकली किसी की, नमाज जनाजा के बाद आपने देखा है कि तालिबान के वहां पे झंडे लेके तालिबान के फेवर में वहां पे स्लोगन रिंग की गई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हम क्यों परेशान है? क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर में हमारी इंसर्जेंसी है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, बट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क या फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी
अफगान सॉइल को यूज करे हमारे यहाँ और ट्रबल पैदा करने के लिए। तो आप पाकिस्तान में देखें ना, आपकी कितनी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, सिंधु देश में आप देख लें, वहां पे सिंध में आप देख लें वो सिंधु देश मांग रहे हैं, फिर आप केपीके में देख लें वो पश्तूनिस्तान मांग रहे हैं, बलूचिस्तान का अपना एक आजादी की उनकी वो चल रही है। मगर और इस तरह की तो हर हर कंट्री में चलती रहती है, वो तो इस तरह की मूवमेंट्स होती है, थोड़े से लोग। मेरा कहने का मतलब ये है आरजू की ये पाकिस्तान के लिए कंसर्न होना चाहिए कि जो बाहर के जो जो तालिबान किस्म के टेरर आउटफिट है, क्या वो इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगे। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान आज पाकिस्तान के जो हुक्मरान बार बार दे रहे हैं कि हम खुश हैं वहां उनके आने से, दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हैव चोजन, ये उनकी मर्जी है वो ये सिलेक्ट करें, तो फिर आप केपीके में भी टीटीपी को खुला छोड़ देना, आपने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिक्लेयर किया हुआ है, फिर वो आप केपीके के भी जो लोग हैं उनको भी आप डिसाइड करने दें कि उनके लिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सही है। यहाँ पे तो सोनम अभी तो इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में वो डूबने वाली है, और इनका ख्याल ये है या इनका कहना ये है कि वो वहां से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में टेररिज्म करवाई जा रही थी और वो पैसा जो है वो भारत का डूबने वाला है। इसको आप किस तरह देखते हैं? आरजू हमारे पास पैसा था तो हमने लगाया है, जो मुल्क दूसरों के सामने कटोरा ले लेके चावल तो आटा लेके आए वो फिर किसी के, हमारा कितना पैसा डूबा है, 22,000 करोड़ रुपए डूबे हैं हमारे, इट्स अ बिग अमाउंट, हमने वो लगाया है तो एक सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यार देखिए पाकिस्तानी तो कुछ भी कहें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कितना सीरियसली वर्ल्ड कम्युनिटी लेती है ये तो जग जाहिर है। कुछ दिन पहले तो पाकिस्तानी ये भी कह रहे थे कि हम जो फ्रांस के सफीर हैं उसको बाहर निकाल देंगे जी, और हम फ्रांस के साथ कोई डिप्लोमेटिक हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो क्या वो हो गया है? आपके MNA ये भी कह रहे थे कि मैं यहाँ से मिसाइल छोड़ूंगी, इसराइल पे गिरेगी, सबसे पहले जाके मैं जिहाद करूंगी, तो क्या वो चली गई है? वो अपने घर में बैठ के चाय पी रही होंगी या खाना खा रही होंगी अभी? तो कहने की बातें बड़ी और होती हैं आरजू, करने की और होती हैं। अगर आपको लगता है, एक और बात बड़ी मुझे हैरानी की आपके फॉरेन मिनिस्टर की लगी, उन्होंने बोला इंडिया का तो बॉर्डर भी नहीं है। भाई इंडिया का बाकायदा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो आपकी ऑक्यूपेशन में है, बट हमारा तो, हम तो उसको अपना हिस्सा मानते हैं ना, वो एक्सेशन तो इंडिया के साथ ही हुआ था जम्मू कश्मीर का, ऑन पेपर्स तो हमारा ही हिस्सा है। अगर आपके पास कागजात हैं तो आप 70 साल से ना बैठ के इधर उधर दाएं बाएं नहीं भाग रहे होते, आप अभी तक ले चुके होते हैं हमसे हमारी टेरिटरी हमारा। और दूसरी बात ये, अगर हमारा वहां पे बॉर्डर नहीं भी हो तो हम क्यों चाहेंगे, व्हाई विल वी लीव पाकिस्तान ऑन द लूज, वी वुडंट वांट रोग नेशंस टू बी ऑन द लूज देयर। और अगर इस लॉजिक से जाएं तो फिर पाकिस्तान की तो फिर अमरीका के साथ तो ताल्लुकात ही नहीं होने चाहिए, कैनेडा फ्रांस इनके साथ क्या आपके बॉर्डर मिलते हैं? Bilateral relations के लिए you don't need borders, you need good relationship, you need common goals and you need to have a constructive mindset कि हम जितने ज्यादा ताल्लुकात बनाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और हमने बात कर ली separatist movements की, diplomatically also पाकिस्तान पे बहुत pressure होगा आरजू, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं ये बात चाहेगा कि 20 साल जो हमने वहां पे इतना पैसा खर्च किया है अमन चैन के लिए, जब हम अमरीकी आए थे कौन सी अफगानिस्तान में कौन सी औरतें थी जो तालीम हासिल करती थी? हम कितनी भी गाली दे लें वेस्ट को, बट एंड ऑफ द डे सच यही है कि वही फर्स्ट वर्ल्ड है और वही अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और वो सुपर पावर की तरह एक्ट भी करते हैं। क्या हमारे जैसे मुल्कों की औकात है कि हम अपनी हजारों की तादाद में अपनी फौज जो है वो दूसरे मुल्कों में छोड़ दें उनके, और रोज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करें? नहीं कर सकते, हमारा इतना मादा नहीं है। ये अमेरिका का ही मादा था कि उसने 20 साल ये चीज बर्दाश्त की। हालांकि ये अलग एक डिबेट है कि उनको इससे क्या हासिल हुआ और क्या नहीं हासिल हुआ, द फैक्ट इज कि वो इतना मादा रखते हैं, इतना गुर्दा रखते हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो इतने साल एक वॉर को सस्टेन कर पाए जो पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क नहीं कर सकते। तो बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तानी इस चीज का, तो मतलब पाकिस्तानियों ने जब हमारा एक स्पेस मिशन भी जो है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था तब भी बड़ा मजाक उड़ाया था, पर कोई पाकिस्तानियों से सवाल पूछे कि भाई तुमने कौन से स्पेस मिशन आज तक लॉन्च किए हैं, तुम्हारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है,
तुम्हारी एक भी सिटी जो है वो अल्फा प्लस में तो कोई भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन है, बट अल्फा प्लस में भी आपकी कोई सिटी नहीं है। भारत की तीन सिटीज हैं अल्फा प्लस में, आप देखें बैंगलोर है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है। अल्फा प्लस इज बेसिकली द सिटीज विच आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद यू नो अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज। दुनिया से वो कितना क्लोजली कनेक्टेड है इकोनॉमिकली। पाकिस्तान की कोई सिटी नहीं है उसमें। एचडीआई में कहाँ हम स्टैंड करते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन इंडिया टॉप 20 में भी नहीं हम आते। आरजू इसराइल जिसको पाकिस्तान पूरी गालियां देता है ना पूरा दिन, वो 19वें नंबर पे एचडीआई में। तो वी नीड टू फिगर आउट आवर ओन थिंग्स एंड यू नो जस्ट कि बिकॉज़ हमें हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि हम नहीं मानते से काम नहीं चलेगा। और लेकिन पाकिस्तान तो आरजू राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जिन्ना हैज बीन अ कॉलोनी ऑफ द वेस्ट। जिन्ना का भी तो भारत के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको लगता था नेहरू और गांधी जो है वो सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तो फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन अ वेस्टर्न एलाई। हमने नहीं अमरीकी फौज के वहां पे आके, हमने नहीं उनके लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखा, हमने नहीं उनके पीने के पानी और चाय पत्ती का ध्यान रखा। ये पाकिस्तानी मिलिट्री है जो यूएस को भी सर्व करती रही है, तालिबान को भी सर्व करती रही है साथ में, और ये काम मुनाफ्त वाले ये पाकिस्तान के की आर्मी करती रही है कि वहां से तालिबान को भी सपोर्ट किया, वहां से वॉर ऑन टेरर भी ज्वाइन कर ली, वहां से यूएस के आप एलाई भी हैं साथ में, आपके यहाँ पे आपने ओसामा बिन लादेन को भी जगह दे रखी है। ये तो मतलब फुल ऑफ यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तो प्रॉब्लम है ही है ना इंडिया की। सबसे बड़ी हमारा फियर ये है कि ऐसे तो ठीक है लाइक तालिबान इज टेलिंग चाइना कि योर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ। तालिबान ने ऐसे इंडिया को भी बोला है कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद कश्मीर इंसर्जेंसी, आपका इंटरनल मैटर है, उन्होंने ऑफिशियली तो यही बोला है। बट वो कहते क्या करते क्या है, ट्रस्ट इश्यू तो एक है ना, क्योंकि अभी सलमा डैम के पास में मतलब उसकी जो चेक पोस्ट थी वहां पे उन्होंने 16 जो सिक्योरिटी पर्सनल थे तालिबान ने उनके गले काट दिए। वो कितना पैसा इंडिया का, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स है वो अफगानिस्तान में। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट तालिबान, तालिबान कैन नॉट ट्रस्ट अस, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। द सिंपल रीजन वी आर स्पीकिंग टू देम इज बिकॉज इफ दे बिकम द स्टेक होल्डर्स इन अफगानिस्तान टुमोरो वी हैव नो अदर ऑप्शन। हम आज तक वो ह्यूमिलिएशन थोड़ी ना भूले हैं कि जब हमारा प्लेन कांधार में उतार दिया था और जितनी देर वहां पे तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में हमारे साथ, न्यू दिल्ली के साथ वी हैड जीरो कॉन्टैक्ट विद अफगानिस्तान। वी वुडंट वॉन्ट पाकिस्तान ऑन द लूज टू क्रिएट सेफ सेंचुरीज एंड सेफ हेवंस फॉर एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स इन अफगानिस्तान। तो ऑफकोर्स हमारा कंसर्न है कि हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनसे बात करनी पड़ रही है। आई थिंक पाकिस्तान का भी यही कंसर्न होना चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स विल ऑल्सो ज्वाइन फोर्सेज। इन फैक्ट इफ आई वुड टू गो बाय द रिपोर्ट्स दैट वी आर गेटिंग In India, we are accessing in India 7,200 anti-India terrorists have joined forces with Taliban, Afghan Taliban already in the last few days. तो अगर अभी से ये डेवलपमेंट हो रही है, which is totally violative of the peace deal. Peace deal में बहुत clearly था that you will maintain the status quo and you will continue having a dialogue with the Afghan government so that you could come to some sort of a system जिसमें भाई किसी के लिए भी लूज लूज सिचुएशन ना हो। तुम ठीक है, तुम मानते हो कि तुम तालिब हो, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे सब चलना चाहिए, एक एमिर होना चाहिए, ये एमिरेट है, ठीक है, तुम्हारे जैसे जो लोग के सोच के जो लोग हैं आप उनके साथ खुश रहें, बट जो लोग पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके ऊपर भी तो अपनी सोच आप नहीं इम्पोज कर सकते ना। जैसे तालिबान ठीक है, अगर वो कहते हैं कि दिस इज हाउ वी आर, हमें यही चाहिए, पाकिस्तान का भी यही वर्जन है कि इट इज फॉर दोज पीपल टू डिसाइड हाउ दे वांट टू लिव, बट एज लॉन्ग एज उसके इम्प्लीकेशंस आपके अपने मुल्क के अंदर है फेयर इनफ, बट अगर उसके इम्प्लीकेशंस जो साथ में आपके जो आगे पीछे जो मुल्क हैं उनके तक पहुंचेंगे तो ऑफकोर्स दे विल रिएक्ट। अमरीका पहले हम देख चुके हैं ना, ऐसा तो का क्या करने आता अफगानिस्तान अगर ओसामा बिन लादन यहाँ आके छुपता नहीं, अमेरिका को कोई जरूरत नहीं थी। आप यहाँ हमने तो पहले देखा है ना, हमने तो पहले देख चुके हैं ना हम तालिबान को, और मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई चेंज हो गया। जो हमारे यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि नहीं अब ये वो तालिबान नहीं है, अब ये कोई नए तालिबान है और अब ये चेंज हो गए।
they are more dangerous now. In fact, Arzu, this is a fact. You can check it. Ye statistics hai. Taliban has killed more people than ISIL has done. Even आप देखें ISIS का हमेशा से एक प्रोपागैंडा विंग रहा है. वो कोई भी यू नो किसी को भी मारते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर दिखाते हैं कि हमने कैसे उसका कत्ल किया है, गला रेतते हुए दिखाते हैं टू क्रिएट फियर. तालिबान somehow has been very bad with all that. और जबकि वो उन्होंने ज्यादा जो कत्ल उन्होंने ज्यादा किए हैं, ज्यादा मैसेकर्स में तालिबान इन्वॉल्व रहे हैं, पर उनका वो मीडिया विंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. बट आज आप देखें, आप वो एक चीज करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है, तुरंत उसके बाद उनका स्पोक्सपर्सन आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि जी ये झूठ है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे हैव नॉट फॉलन टू अस क्योंकि हमने अपने फाइटर्स भेजे हैं, दे हैव फॉलन टू अस बिकॉज दे लाइक अस. तो वो कितनी अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को प्ले कर रहे हैं वो तो अलग बात है कि हम उन पर कितना भरोसा करते हैं, नहीं करते, सबको पता है कितना झूठ बोलते हैं. बट अपनी तरफ से आप देखें कि वो कितना स्मार्ट चल रहे हैं अभी. दे डोंट वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट. दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व एज केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आराम से अफगानिस्तान को चला रहे. आप उनकी जुबान देखें, उन्होंने टर्की ने कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट को आगे भी गार्ड करेंगे, इफ यू वांट तो हम उसका ख्याल रख सकते हैं. तालिबान इनको साफ बोल दिया कि ठीक है आप अभी जाएं, आप नेटो का हिस्सा हैं, वैसे आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, हमें आपके साथ बहुत मोहब्बत है, हम आपके साथ बहुत इत्तेफाक रखते हैं आपकी सोच के साथ, बाद में हम आपके साथ बायलैटरल रिलेशंस बनाएंगे, हम आपको इन्वाइट करेंगे तो आप आना, पर इस वक्त पे आपको जाना पड़ेगा बिकॉज आप अमरीका का हिस्सा हैं. तो आप उनकी गेम स्ट्रेटेजी आप समझ रहे हैं कि वो रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं. 90s का तालिबान कहाँ ये चीजें समझता था कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं और मीडिया इमेज क्या होती है, उनको कहाँ इन चीजों की समझ थी. हाँ वो सब सही है, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो अभी भी वही है जिस तरह से उनकी वीडियोस आती हैं औरतों को कोड़े मारते हुए और वो सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं है. ये एक्चुअली डेंजरस है बिकॉज नाउ दे नो हाउ टू कमिट एक्ट्स ऑफ टेरर एंड हाउ टू हाइड देम ऑल्सो. Earlier, they were not apologetic about it. They are still that with it, but they know how to cover it up now, which is more dangerous, of course. लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी सोनम कि आप कैसे देखती हैं कि जब अमेरिका जो है वो निकल जाता है जब अफगानिस्तान से, तो उसके बाद का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है, किस तरह से ये आपको जाते हुए कैसे लग रहे हैं अमेरिकन का, आपको ख्याल है कि ये ठीक हो रहा है सब कुछ या कुछ रहता है, कोई कमी है. देखिए आरजू, हमेशा सच तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि आपका वर्षन क्या है सच का और हमारा वर्षन क्या है सच का. असल में सच क्या होता है किसी को भी नहीं पता. देखिए इसमें दो सेक्शंस में लोग बटे हुए हैं. एक जो अमेरिका की जो साइड से जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका का अपना एक मकसद था अफगानिस्तान में आने का, जो था टू ब्रेक द बोन, ब्रेक द बैक ऑफ अलकायदा. तो वो कहते हैं जी हमने वो तो हमने अचीव कर लिया है, अलकायदा की बैक तो हमने तोड़ दी है, तो ये मुश्किल है कि अलकायदा जो है वो आगे अफगानिस्तान की सॉइल को यूज करके अमेरिका पे अटैक करेगा. यही कारण है कि अमेरिकन्स आल्सो डू नॉट वांट टू लूज देयर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी एट द सेम टाइम एंड व्हाइल दे आर मेकिंग अ मूव, दे आर मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, बट दे स्टिल वांट दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मिलिट्री बेसिस, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से बार बार नेगोशिएशन कर रहे हैं. और ऑफकोर्स तालिबान खान जो आपके पावर में है वो कहाँ चाहेंगे कि हम बेसिस दे दें और कल को मेरे भाइयों पे अमेरिका अटैक कर दे, वो कहाँ चाहेंगे. वो तो आतंकी मानते ही नहीं तालिबान को. इमरान खान तो कहते हैं कि ये हमारे अपने भाई हैं, बट बात ये है कि जो ड्यूरन लाइन के इस तरफ है वो हमारे भाई नहीं है, जो उस तरफ है वो हमारे भाई है. ये मुनाफ्त तो इमरान खान इसके लिए जाने जाते हैं. तो ऑफकोर्स एक सेक्शन कहती है कि उनका मकसद पूरा हो गया है, उनको तो जाना ही था. और सच बात है अर्जू, कोई दूसरा मुल्क वहां से वेस्ट से उठ के वो यहाँ पे इनडेफिनेटली, आप कौन सा मुल्क है जो दूसरे मुल्क में हमेशा के लिए रह सकता है. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, इट हैज अ कॉस्ट टू इट, इट हैज अ ह्यूमन कॉस्ट टू इट. अमेरिकन्स हैव आल्सो लॉस्ट लाइक 2,500 सोल्जर्स. माई सिंपथीज टू देयर फैमिली, माई हार्ट गोज आउट टू देम व्हेन यू लिसन टू देम. हर किसी की जब आप सुनते हो ना, जो भी तशद्दुद का या जुल्मो सितम का या फिर इस तरह की वॉर कैजुअलिटीज की जो भी फैमिलीज शिकार होती हैं, आपको बुरा ही लगता है सुन के.
वो चाहे फिर हिंदू हो मुसलमान हो, आपको खुशी तो नहीं होती सुन के कि मैं यूके की लेडी का भी एक देख रही थी, हर सन वॉज सर्विंग इन अफगानिस्तान, नेटो का हिस्सा थे वो, 18 साल का लड़का था, यू नो ही वॉज किल्ड बाय तालिबान, उनकी माँ को आज 20 साल हो गए, शी इज नॉट बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम इट। एंड अब आप उनकी बात सुने तो वो कहती है कि हाँ मेरे बेटे का क्या कसूर था, क्या गोल था, क्या आज वो अचीव हो गया है जो हम करने गए थे, जो वेस्ट वहां करने गई थी। तो एक तो ये वर्षन है, दूसरा वर्षन ये है कि ऑफकोर्स दिस इज अ बॉच्ड अप एग्जिट स्ट्रैटेजी, अमेरिकन्स वांटेड, उनको पता था दैट देर इज नो गोल इन साइट, जिसलिए हम आए थे, वो हमने थोड़ा बहुत कर भी लिया एट द सेम टाइम हम नहीं भी कर पा रहे, बिकॉज आरजू इट्स वेरी डिफिकल्ट। तालिबान जो है वो सन्स ऑफ द सॉइल है, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, जो भी है उनके पास यू नो इतना सारा टाइम पड़ा है ना, तो उनको उनको थोड़े वो तो रहते हैं पहाड़ों में, उनको थोड़ी ना है कि उनको अमेरिकन सोल्जर्स की तरह डेली कितनी फैसिलिटीज चाहिए, उनके तो फंड्स आते हैं ISI से, उनके फंड्स आते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, उनको कोई इतने उनको इतनी पैसे की जरूरत भी नहीं है जितनी अमरीकी फौज को है, राइट। तो दे कैन ऑलवेज से कि ठीक है बी माई गेस्ट, यू बी हियर, मैं अपना आराम से बैठता हूँ यहाँ पे, ओपियम वोपियम खाता हूँ, थोड़ा चरस गांजा हशीश फूकता हूँ, तुम लड़ते रहो यहाँ पे, वो अपने बैठे हुए पहाड़ों में, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू वेट फॉर देम, इट्स लाइक इट्स लिटरली हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट एंड वॉट कुड अमेरिका हैव डन। सो इफ यू आस्क माई ओपिनियन, आई स्टैंड समवेयर इन बिटवीन, आई थिंक ऑफकोर्स वेन अमेरिका सेज दिस दैट वी हैव अचीव्ड आर desired result more or less, I think yes they have done it, unko main tha ki unko Osama bin Laden ko marna tha, I think unhone bahut lamba stretch kiya, itni zarurat nahi thi waise unko, Laden ko to kab se maar chuke the wo, unhone 10-12 saal ulta extra laga diye, so at the same time I also feel that of course unko unka maksad bhi pura hua, ek limit tak hua, jis tarah se wo dikha rahe hain ki ho gaya, wo nahi hua, wo ho bhi nahi sakta, kyunki जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उसकी भी ऑफ कोर्स देयर बैक हैज बीन ब्रोकन बट दे हैव नॉट बीन एलिमिनेटेड, दे ऑलवेज हैव अ पोटेंशियल ऑफ कमिंग बैक एंड स्ट्राइकिंग हार्डर, इनफैक्ट मच मच हार्डर देन तालिबान। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अलकायदा का थ्रेट, US हैज दैट, दे हैव नॉट बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, इनफैक्ट दो दिन पहले इंडिया में लखनऊ से UP पुलिस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने दो आतंकी पकड़े हैं अलकायदा के, they were found with pressure cooker bombs, they had pistols, they had explosives, they had all of these in large quantities. So of course it is active in the region and US ko because Al-Qaeda ke haath unko bahut bada unke yahan hadsa hua hai, wo dekhte hain Al-Qaeda ko as a global terrorist organization and it is a multinational organization, wo chahte hain, unki ideology hai pan islamism ki, they want ki puri duniya bhar mein islam ka raj ho. एट द सेम टाइम जो ISIS है वो भी एक ग्लोबल प्लेयर है, जो तालिबान है वो एक रीजनल प्लेयर है, जबकि ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं, ये ज्यादा इन्होंने ज्यादा वायलेंस में ये लोग इंडल्ज करते हैं, इट्स जस्ट दैट ये लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। सो इफ यू आस्क मी हाउ डू आई व्यू दिस एंटायर थिंग, आई थिंक ऑफकोर्स इट इज नॉट एट ऑल बैड फॉर अमेरिका, दे हैव गॉट अ फेस सेविंग एग्जिट, at least on the face they've been able to portray to the world ki humne some sort of peace deal karwai hai ki hai uske baad hum nikle hain, but ek baat to hai ye na ki zindagi bhar aapne taliban ko acknowledge nahi kiya, end of the day jo apne peace deal ki hai taliban is clearly saying that we are the islamic emirate of afghanistan, so they are trying to lend some sort of credibility to their own organization and by doing peace deal with them while they hold on to that designation, अमेरिका हैज somehow, यू नो, आए बाएं शाएं आप कितना भी कर लो, नाक को यहाँ से पकड़ लो या वहां से पकड़ लो, बट सच ये है कि एंड ऑफ द डे यू हैव कम टू द टेबल टू स्पीक टू तालिबान, विच वॉज नॉट एन ऑप्शन 20 ईयर्स अगो। सो सब जो पार्टीज हैं दे हैव ऑफकोर्स गॉटन ऑफ देयर हाई हॉर्सेस, दे हैव लेफ्ट देयर मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस, जैसे तालिबान का भी था कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, वी विल फाइट, एंड ऑफ द डे दे आर टॉकिंग while we two are speaking, I think they would be speaking to Afghan government and aapko pata hai different countries se wo baat kar hi rahe hai na, ek time tha ki wo kehte the ki jo hai hum hi hai, hum kyun bahar ki taqaton se baat kare, so everybody has gotten off the high horse because as time passes
यू रियलाइज दैट देयर इज अ कॉस्ट टू वॉर एंड इट इज नॉट इजी. एग्जैक्टली और लास्ट ऑप्शन सिर्फ टेबल टॉक की ही रह जाती है कि बैठें और बात करें, चाहे वो तालिबान हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे चाइना और इंडिया हो, लास्ट यही है कि इनको बात करके और तभी इसका कोई हल निकालना होगा. कारगिल की कितनी देर के बाद परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो आगरा आ गए थे. ये वो परवेज मुशर्रफ साहब हैं जो खुद तो छुप के भाग के बैठे हुए हैं दुबई में, बट आज भी अगर उनका कभी आई डोंट थिंक अब वो इंटरव्यूज देते हैं, बट आज से एक दो साल पहले तक वो कहते थे आई एम प्राउड ऑफ कारगिल वॉर, बहुत अच्छा किया हमने, यही करना चाहिए था एक फौजी होके. मुझे लगता है कि यही बहुत अच्छी चीज हमने की. तो जो आदमी ये कहता है एंड ऑफ द डे इंडिया ऑल्सो सैट अक्रॉस एंड यू नो स्पोक टू हिम. हार्श रियालिटी यही है आरजू, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट. जैसे गलवान में जो भी हुआ, द सेंटिमेंट्स, द इंडियन सेंटिमेंट्स आर ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू स्पीक टू चाइना, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, बट कुड वी डू दैट? वी कुडंट. सो द हार्श एंड द अगली रियालिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज दैट यू हैव टू स्पीक व्हाइल यू आर स्टिल एट वॉर विद ईच अदर, बिकॉज देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे. वी आर ऑल, we have nuclear weapons and india ke liye of course ye ek bahut bada concern hai, because if you know jo bhi hota hai, ek government achhi ho buri ho, democratically elected ho ya fir wo selected ho, army ne banaya ho, jo bhi ho, jo india mein ek common notion hai pakistan ko leke ya fir duniya bhar mein jo ek notion hai ki pakistan military controls the entire scene, but jo bhi hai, jab aap ek samne indian army ke log bhi jab pakistan army se baat karte hain to they always appreciate, they always say that you know they are also very professional, we are speaking to professional people, it's a professional conversation. True. aap chahe wo mean karte hain nahi karte hain, but jab aap baat cheet karte hain to aapko lagta hai na ki hum kisi insaan se baat kar rahe hain, yaar ye meri baat samjhega. On the other hand, taliban are clearly saying we don't believe in democracy, we don't want all this nonsense. What nonsense is this ki our women will go to schools? The only education that matters is Islamic education. The only book that matters and exists is Quran. They are living in their own ruhani world. They have nothing to do with the earth they are surviving on. They are more bothered about an imaginary Jannah. So how do you interact with such people? And if they take control of Afghanistan, Pakistan is a nuclear state. Of course, we have some sort of faith in even in Chinese government ki यार कोई भी प्रैग्मेटिक मुल्क जो है ना वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेगा जिससे वो वापस नहीं आ, बैक ऑफ नहीं कर सकते. जब आपके सामने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो नेगोशिएशन का सिर्फ वो फिर इंडिया के लिए वो बैलेंस खराब नहीं होता, इवन पाकिस्तान, हाउ विल यू नेगोशिएट? योर पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सेइंग कि वी हैव लॉस्ट कंट्रोल, एज तालिबान आर सीजिंग मोर एंड मोर टेरिटरी, दे आर शोइंग देयर ट्रू कलर्स, दे आर नॉट इवन लिसनिंग टू पाकिस्तान. पाकिस्तान वॉज द कंट्री विच टुक देम टू दोहा टू स्पीक. But if I were to believe your own people today, they're saying that they're not listening to us. So just imagine once they've captured the entire country, God forbid if they manage to do that. मुझे नहीं लगता वैसे कभी भी वो अफगान गवर्नमेंट को पूरा हटा पाएंगे. I wish के ना हो कभी भी. Although they are simply banking on the military strength. एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो आपकी जो indoctrination होती है या फिर जो आपकी negative सोच हो, positive सोच हो, जो भी हो, माइंडसेट को ना आप गोलियों तलवारों के जरिए ना आप खत्म नहीं कर सकते. जैसे तालिबान के माइंडसेट को अमेरिका क्या लड़ पाया, क्या एयरफोर्स या आर्मी के जरिए क्या वो उनको चेंज कर पाए? सिमिलरली जो अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, वहां की जो औरतें हैं बहुत पढ़ लिख गई हैं, उनकी एक बड़ा जो उनका तबका है, उनकी जो सिविल पॉपुलेशन का, वो आज पढ़ा लिखा है. ही डजंट बिलीव इन शरिया एंड द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया लॉ. तो वहां पे भी तो एक माइंडसेट की लड़ाई है ना. तालिबान को ये अब वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, वी आर सीजिंग मोर एंड मोर टेरिटरी, वी विल बी एबल टू टेक ओवर काबुल एज वेल. बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त बहुत बदल गया है. और ऑफ कोर्स ये वो अमेरिका ने भी कोई ये नहीं बोला है कि आप कुछ भी करते रहें. इफ दे रियली क्रॉस द रेड लाइन, ऑफ कोर्स अमेरिका ऑलवेज हैज दैट ऑप्शन ऑफ डूइंग एयर स्ट्राइक्स एंड सो डू द अदर नेबर्स. आई थिंक किसी पे भी बन आएगी तो नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर तालिबान. दे विल, इवन दो दे आर मेकिंग गुड एडवांसेस by doing whatever, but मुझे लगता है कि completely वो overthrow नहीं कर पाएंगे अफगान government को, and they will have to come to some sort of a solution.
फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, यू नो, चाहे वो उनकी सरकार भी, वो दे वुड ऑल्सो वॉन्ट ना कि हमें बीच बीच में बार बार प्रॉब्लम नहीं हो. दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट फॉर मी इट लुक्स इम्पॉसिबल. नहीं अच्छा तो यही है कि ये इम्पॉसिबल ही रहे और तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर ना कर सकें, क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के लिए ही अच्छा होगा. यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूंगी सोनम कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला. लेकिन अगेन मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि तालिबान की गवर्नमेंट ना ही आए तो ही अच्छा है, और इसके लिए हमें मेरे ख्याल है कुछ टाइम और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, और फिर हम दोबारा मिलेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच आरजू, इट्स लवली स्पीकिंग टू यू. सेम, थैंक यू, टेक केयर, बाय.